एक गरीब गांव था जहां सूरज की तरह खुशियां भी कम ही निकलती थीं। वहां रहती थी लक्ष्मी, एक होशियार सी लड़की। एक शाम जब लक्ष्मी खेत की रखवाली कर रही थी तो उसे जंगल में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह करीब गई तो देखा एक परियों का कुआं है, इसके पानी में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी एक परी कुएं से बाहर निकली। हेलो लक्ष्मी, परी ने कहा। उसकी आवाज घुंघरू की तरह मीठी थी। ये जादुई कुआं है, इसमें जो भी कामना करेगा वो पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी दंग रह गई। उसने कभी जादू के बारे में नहीं सोचा था। फिर उसे अपने गांव का सूखा ख्याल आया। परी, क्या इस कुएं से बारिश करा सकती हूँ? लक्ष्मी ने पूछा। परी मुस्कुराई। हाँ, पर हर जादू की एक कीमत होती है। कुआं एक चीज लेगा जो तुम्हें सबसे प्यारी है। लक्ष्मी सोच में पड़ गई। उसके पास तो कुछ खास था ही नहीं। तभी उसे याद आया उसकी बुद्धि। वह गांव की सबसे होशियार लड़की मानी जाती थी। आखिर उसने फैसला कर लिया। मुझे मंजूर है, उसने दृढ़ता से कहा। परी ने कुएं के पानी को छुआ और मंत्र पढ़ा। बूम बूम बारिश से मचाए धूम। बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव वालों खुशी से नाचे, लेकिन लक्ष्मी को एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही थी। मगर लक्ष्मी गांव वालों को खुश देख वह भी खुश हो गई और अपनी गम भुला दी।